उत्तराखंड में लगातार पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश से आम जनजीवन में अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही मौसम विभाग ने भी उत्तराखंड के 10 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसको देखते हुए तमाम आला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है वह सभी जिलों की मॉनिटरिंग का काम करें। इसके साथ ही जहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं उन मार्गों को चिन्हित करने का काम किया जाए और उन्हें तुरंत खोला जाए। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। भारी वर्षा और मौसम का जो अलर्ट है ये हमारे लिए हमेशा से चुनौती रहा है और पूरा मानसून सत्र में अनेक स्थानों पर हमको आपदाओं का सामना करना पड़ा है, भूस्खलन का सामना करना पड़ा है, अतिवृष्टि के कारण से अनेक संपर्क मार्ग कटे हैं, अन्य चीज़ें भी हुई हैं। तो अभी सारे जिलाधिकारियों से, सारे आपदा प्रबंधन के लोगों से, SDRF NDRF सभी हमारे तैनात हैं, सभी विभागों के लोग लगे हुए हैं और जहां भी संपर्क कट रहा है या जहां पर भी सहायता की आवश्यकता है वहां पर हमारे शासन के लोग पहुंच रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इस पर पूरी तरह से सब लोग मुस्तैद होकर नज़र रखें और जहां भी आपदा से प्रभावित लोग हो रहे हैं उनको मदद करें।